फिर कमरे में आते हैं फिर भी बाने लगती है यार, पैर दुख रहे, पता नहीं किस चीज़ की कमी आ रही है इसमें। काहे की आ रही कमी? प्यार की कमी आ रही थी क्या? गल्ला मिल रहा है जो कह रही है, प्यार तो बहुत मिल रहा है, बर्बर नहीं मिल रहा। एक रुपये लाएगा बाबा, पाँच तुल करिश्मा। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? बज रहे सुबह के 7:30, 8 ही बजने वाले हैं और सुवानी के पापा चल दिए हैं मंडी, जा रहे हैं मंडी सामान वामान लेने। आज सब्जी नहीं है घर पे कुछ भी, आज बाड़ी में भी नहीं, थोड़ा वैसे है मूली वगैरह है वहाँ पे लेकिन नहीं, आज बाजार का ही खाना है। सुवानी अभी सो रही है, छुटकी सो रही है, अभी इनको मैंने जगाया नहीं है, छुटकू खा गया ये रहा। ये देखो ये मेरे पास होता है, वो अपने पापा के पास होता है। गुस्सा गया, उसको गुस्सा आ गया, बेबी का सौदा मंजूर नहीं हुआ भाई। बजनाड़ा आयो नी बाप, नरा सामान भाई, बालों की कीमत कितनी है? करिश्मा उल्टी बाल लिया थी नो कह रही थोड़ा बहुत और तोड़ूंगी जब फिर दूंगी। गाइस ये देखो मैंने सब्जी बना ली है, बैंगन, अभी आटा लगाऊंगी। वैसे बाजरे की रोटी अच्छी लगती है बैंगन के साथ, लेकिन मैं घेहूँ की बना लेती हूँ, चलो कोई बात नहीं। और आज तो मैंने सुबह सुबह अपना मुंह धो लिया, कैसा लग रहा है? तो ऐसे उठती हूँ भूतली सी, बाल बिखरे रहते हैं पूरे और मुँह नहीं धोते, ब्लॉग बना लेती हूँ, लेकिन आज तो मैंने मुँह धो के ब्लॉग बनाया है। देखो कितनी अच्छी बात है, सुबह सुबह मैंने पिया जूस, अभी कुछ खाया नहीं है, तो बस खाएंगे पानी के लिए। दूध लगाया मैंने, कितने घर बना दिए, छत के ऊपर भी घर बना दिए इन्होंने, देखो चौक चौक से, और बहुत ज़्यादा दम कर रही है तो रील बनाने नहीं दे रही मुझे, तो मैं नीचे जा रही हूँ भाई। ये देखो दोनों शैतान है इतनी। करिश्मा चले, हेलो मैडम चले, रील बना लो, सासू देख ली तो रील बना दी तेरी। ये रील नहीं बना रही, मेरे कहने से आई है। मैं यार लहंगा लुगड़ी पहन के दिखा कैसी लगती है, अभी इसके वो घर वालों ने दिए चुनरी शायद इसको, तो मैंने पहन के दिखा था कैसी लगती है, उसके मैचिंग की है ना ये, है ना वो लाल लहंगा, ऐसी तो लुगड़ी ओढ़ते हैं इनकी तरफ है, काय कर लू चू फांसी खाओगी क्या? तो गाइस इसको फांसी खानी है, तो चलो इसके मैं अच्छी तरह से फांसी लगा देती हूँ आज। तो तोड़ ले रहा है, मैं सोच चोर ले आया कतीसु। तो कल सुई बेच बचा लू कहीं बात है होता पहले हैं बिना भाव 80 यो भाई, ये तेरे को महंगा न्याय फिर मिलना इसमें कितने राज हो रही जाना या कोई खाना पूरा ना हैं जब इधर मैं करीस में तेरा जोर जाने या कोई खाना पूरा ना हूँ फिर बेचने की तैयारी होगी इनको तो थारा घर भेज रहे हैं तब तो बोला जा अमरूद खा लो जा अच्छे अच्छे से उठाओ खुद ही लेके आओ जा कैट से बहना है घर खान का पीछे जाओ पहले तो खुद ही चल रही है भैया उठाया कौन सा पिक्यो पैगल ने पैकिंग करेंगे अभी टैप टैप को क्या करेगा वृद्धन स्पार्क पड़ रही मोटा चक्का का ही पैकिंग देख लो भैया पैकिंग करेंगे बेचने जाएंगे पूरी तरह प्रॉपर तरीके से बेचेंगे आई कोर्ट में करोड़ी को बेचेंगे जाके एक एक अमरूद को यहाँ पे पैकिंग कर रख रहा है देखो ओ ये देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं ससुराल में नहीं ससुराल में जाएंगे ना नहीं ये तो दिल्ली जाएगा दिल्ली जाएगा है दिल्ली कौन भी दिल्ली फिर जो आगा भैया पायली बना मैं तो ध्यान को नहीं आई
तो पैकल बना मिली है। हेलो क्यों हेलो तो क्या खा रहे हो? शकरकंदी क्या होता है? छोटू क्या खा रहे हो आप? क्या खा रहे हो? इसका नाम क्या है? चिकचा। ये क्या होता है चिकचा? क्या नाम है बताओ? चिकचा। अरे पागल दीक्षा नहीं है ये? इसका नाम पूछ रही हूँ मैं। इसका इसका नाम क्या है? हैं? नहीं जाना है? जानता है? देख लो मतलब हार नहीं मान रही है। जानता है? जानता है तो बताओ क्या है? हैं? नहीं जानता? हाँ चलो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हैं? क्या हो गया? स्वीट पोटैटो। क्या बोलते हैं? स्वीट पोटैटो। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्वीट पोटैटो। और देखो गाइस ये हम ऐसे सेकते हैं हमारी शकरकंदी। पानी में उबाल के हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तो हमें ना ओवन में सेकते हैं इसको। बिल्कुल चूल्हे की तरह लगती है ओवन में। और यहाँ पे ये दूध है इसको हम अभी जामुन देंगे। थोड़ा गर्म है अभी तो इसको ठंडा होने देते हैं। तब तक मैं खा लेती हूँ शकरकंदी। दिया खा जा रही है खा ले वजन तुलवा नहीं नहीं फिर भी कितने किलो हो सका है? 53 किलो। मैं भी यही सोच रही 53 किलो। और मेरे मेरा अंदर 40। ए पागल कब तक घटाई दी वो को मारेगी गाय। अब हमें उठ जाऊं 40 किलो घूमी ना तो। गाइस आज जा रहे हैं हम हमारा वजन तुलने के लिए मैं और करिश्मा दोनों। मेरी इच्छा है बहुत ज़्यादा कि मैं वजन तुलूं। मुझे लग रहा है कि मैं घट चुकी हूँ मेरा वजन कम हो गया। तो चलते भाई। ये लड़की पता नहीं क्या हो गया इसको। क्या हो गया? पैर दुख रहा है। क्या हो गया? बोलती है धूप में रहती हूँ तो ठीक रह जाती हूँ, फिर कमरे में आते फिर भी बाने लगती है यार। पैर दुख रहे। पता नहीं किस चीज़ की कमी आ रही है इसमें। काहे की आ रही कमी? प्यार की कमी आ रही थी क्या? गला मिल रहा है जो कह रही है प्यार तो बहुत मिल रहा है। भर भर नहीं मिल रहा है। आज कल हम अमरुद बेचने लग गए तो इसको साइड में ले आए हम। और अब जा रहे हम अपना वजन तुलवाने के लिए। आए तो क्या काम और लग गए हम क्या काम। अमरुद बेचने लग गए स्टेशन पे लेकिन हमसे किसी ने दिया ही नहीं, उसमें थे ही नहीं। कुत्ते कल लिए ही खा गई और फाइनल एक हजार ही अंधी। अरे हेलो खाए आ जा यारी। यारी ना दिख रही। देखो हम आ गए वजन तुलने के लिए। 1 रुपया लाएगा बाबा? 5 तुल करिश्मा मैं दे दूंगा। देखते हैं करिश्मा में कितना। 53 किलो की बोल रही थी है। फिक्स देखते हैं। 53 ही दिखा यार। 53 ही निकले भाई। अब मैं10-15 दिन पहले तो 50 किलो वजन है। चेक कौन सा हो गया इतनी ज्यादा परेशान हो गई करिश्मा है ना। मतलब हालत ज्यादा खराब है इसकी, पहले से ही थी और ज़्यादा हुए। अब तो ऐसा लग रहा है मेरे को कि रोने वाली है। और यहाँ पे देखो क्या बना रहे हैं। रोटी साग सब्जी बन रही है खा लो आके। सोनी के पापा को और फ़ोन आ रहा है पता नहीं क्या बोलेंगे। मैंने तो ऐसे ही फ़ोन किया था कि वज़न तुलने वाली दुकान कहाँ है। तो भैया मेरा 4 किलो वज़न घट गया है इतने से दिन में। मेरे समझ में नहीं आ रहा यार 50 किलो से इतना कम कैसे हो गया भाई मेरे में।
तुम करो। आपसे किसने बोला बर्तन धोने के लिए? अरे यार बेटा आपसे बर्तन थोड़ी धुलेंगे। नहीं, नहीं बेटा चलो हट जाओ, नहीं आपको जुकाम हो जाएगी। चलो मम्मा धो देगी। छोटू आप भी हेलो।